Hello learners, let us see the future indefinite tense. First of all, we will know about the future indefinites. Future indefinite tense, it indicates that an action or occurrence has not happened yet and will take place at some points in the future. Clear? Future indefinite क्या है? इसको जानने के लिए हमें इस definition पर आना पड़ेगा. ये future indefinite हमें show करता है कि कोई भी काम that an action, कोई भी काम या कोई भी घटना जो अभी नहीं हुई है, होने वाली है. ठीक है? फ्यूचर में विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, कभी भी हो सकती है आगे, समय जो आने वाला है. अभी तक तो नहीं हुई है लेकिन आगे हो सकती है, हो जाएगी. जिस घटना का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जो घटना हमने अभी तक नहीं देखी है लेकिन आगे समय में पॉइंट ऑफ टाइम में हमें वो काम होगा, उसके बारे में हमें बताते हैं. इजी. She will watch television. वह television देखेगी. अभी देखा नहीं है, देखेगी. ठीक है? अभी आपने जो present में देखा था, उसमें हम कोई काम कर रहे थे, करते हैं, करते वाली condition थी. Past में करते थे वाली condition थी. और ये future tense है, इसमें काम करेंगे. ठीक है? जो running में है, वो present. जो हो चुका है वो पास्ट और ये फ्यूचर है. तो फ्यूचर में आपने हिंदी में भी सुना होगा भविष्य काल कहते हैं, तीन काल होते हैं. तो अब इसका भी हम स्ट्रक्चर, इसमें भी हम देखते हैं कि सेंटेंस का हम किस तरह सेंटेंस मेकिंग करेंगे. तो सबसे पहले हम वही पॉजिटिव सेंटेंस को यहाँ पर भी हम लेते हैं. ठीक है? तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल और शैल लेंगे. ठीक, विल और शैल का यूज करेंगे. प्लस वी वन लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे. हमारा ये पॉजिटिव बन गया. अब हम नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर विल या शैल लेना है, देन Not लेना है, फिर आपका वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है? और अगर इंट्रोगेटिव लेना है, हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इंट्रोगेटिव जैसे आपको पहले भी बताया है, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं. तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट लेना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम विल ले लेंगे या हम शेयर ले लेंगे. ठीक, अभी मैं बता दूंगी आपको कि विल और शेयर का यूज कहाँ कहाँ करना है. विल और शेयर लेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ले लेंगे, और लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मार्क भी ले लेंगे. अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड बनाना है तो इंट्रोगेटिव सेकेंड के लिए आपको क्या करना होगा, सेम रहेगा, थोड़ा सा बस चेंज यहाँ पर भी हमें करना है. तो इंट्रोगेटिव सेकेंड में हम यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड ले लेंगे. सबसे पहले हम लेंगे डब्ल्यू एच वर्ड ले लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड हो गया आपका, और फिर आपका यहाँ विल और शैल हो गया. फिर आपका सब्जेक्ट हो गया वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव मार्क. ठीक, तो ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनेट है. प्रेजेंट इनडेफिनेट में आपको ये समझ आ गया. अब हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं. सपोज हम यही सेंटेंस लेते हैं या हम दूसरा ले लेते हैं. तो शी विल राइट अ लेटर. ठीक है?
अगर हम यहाँ पर आई शैल राइट अ लेटर, ठीक है, मैंने यहाँ पर विल और शैल समझाने के लिए आपको दो सेंटेंस दे दिए, ठीक, ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव बनाते हैं, तो मान लीजिए राम विल नॉट लर्न हिज लेसन, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लीजिए, विल स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस, शैल शैल आई लर्न माई लेसन। ये आपका इंट्रोवर्टिव फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इंट्रोवर्टिव सेकेंड ले लीजिए, वाई विल बेबी क्राई in the room, why shall we complete our homework। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड। आप इसको देख लीजिए, यहां पर आपका डेफिनेशन हो गई। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप सेंटेंस देख लीजिए, पॉजिटिव का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आपका ये नेगेटिव भी आपके हो गए, आई शैल रीड अ लेटर, ठीक है। ये आपका इसी में मैंने शैल और विल को समझाया है। हम आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल का यूज करते हैं, बाकी सारे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में हम विल का यूज करते हैं। लेकिन ये बात जब हम डिटरमाइन होते हैं, हम किसी पक्के इरादे से कोई बात कहते हैं, तो ये उल्टा भी हो जाता है। आई विल डू इट, मैं ये काम जरूर करूंगा, उस कंडीशन में आई के साथ में विल लगा दिया आपने। वैसे ही बहुत रेयर जब हम किसी बात में डिटरमाइन होते हैं तब वो उल्टा होता है, बाकी सब कुछ यही रहता है। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, और अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और ये आपके आई और बी का मैंने आपको बताई दिया कि जहां जहां यूज होता है। थैंक यू।